Passing and action. Cut it. Imran, double moment for you. If you are my best player, can you do it? No, first match, probably. Now, first match. Rolling, passing. चलो passing जाओ. Rolling. Action. Passing जाओ चलो. ये dance कर रहे हैं सब देखो. हाँ hold. हट नहीं रहे हटाओ. चलो आजा passing मार पे. वैसे ही आप सीखते जाओ. ये सर पे आपा ये गले में इस तरह के रुद्राक्ष की मालाएं बेसिकली क्या है ये बदला हुआ अवतार. ये मेरा बदला हुआ अवतार जो है ये मेरी फिल्म भागी सारी भाग का लुक है. और इस फिल्म में मैंने एक पंडित की बेटी का रोल किया है जो खुद भी पूजा पाठ करवाती है बट शी इज़ डिफरेंट. वो थोड़ी अलग है और क्या अलग है वो तो खैर फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. लेकिन ये जो लुक है ये आप कह सकते हैं कि आजकल के पंडित का लुक यो वाला. असल में मैंने पीछे देखा कि आप बुलेट की सवारी कर रही थी. होली जैसा माहौल था ये सीक्वेंस का था. बिल्कुल. इस फिल्म में मैंने काफ़ी कुछ नया नया ट्राई भी किया है. पहली बार मैं बुलेट चला रही हूँ और अभी आपने ऐसा देखा होगा चूँकि ये थोड़ा ट्रिकी शॉट है और इसमें बुलेट का ऐसा मतलब रिक की तरह उसको बांध कर और ये सब करके यूज़ किया जा रहा है. बट नहीं, मैंने सही में बुलेट चलाने का शॉट भी दिया है. ये आपको फिल्म में दिखेगा. तो मैंने अच्छे से बुलेट चलाई है पूरे फिल्म में. मुझे ऐसा यहाँ देख के ऐसा लगा कि शायद आपको गाड़ी चलानी नहीं आती इसीलिए ट्रॉली शॉट ले रहे हैं. नहीं, ये तो यार परेशान करने वाली बात है. गाड़ी चलाना नहीं आता इसीलिए ऐसे कर रहे. नहीं, इट इज़ अ ट्रिकी शॉट. वो बहुत चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं इसलिए ऐसा हुआ है. और इसके पहले भी जब मैंने बुलेट चलाई थी तो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था उसमें. मेरी टांगे भी टूटी हैं और 2 महीने इसके लिए मैंने बेड पर इंतज़ार भी किया है वापस. तो इतना सब कुछ होने के बाद अभी फिर से जब मैं बुलेट पे बैठ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं सब कुछ सारे इंतज़ाम होने के बाद भी थोड़ा डर लग रहा था. लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा, कब की बात है, कैसे दुर्घटना हुई थी भाई स्मृति सिन्हा के साथ? रूम में देखा था. हाँ, स्मृति सिन्हा के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी. बुलेट ही चलाने का शॉट था और बेसिकली वो नाइट का शॉट था और जो सरफेस था वो इवन नहीं था तो उस वजह से बुलेट के साथ ही गिर गई थी मैं. और वो मेरे राइट पाँव पे गिरा था. मेरा राइट पाँव फ्रैक्चर हो गया था तो प्लास्टर लगाकर मुझे रहना पड़ा था लाइक 1 महीना. तो अच्छा खासा उसके बाद एक लेसन ले लिया कि सारे ये करूँगी, काम करूँगी लेकिन गाड़ी चलाने में थोड़ी सी वो रखूँगी, एहतियात रखूँगी. भाग के सारी भाग, मुझे बताया गया कि स्पोर्ट्स पर, खेल पर आधारित ये फिल्म है. भोजपुरी में बेसिकली खेल पर आधारित शायद फिल्म बहुत कम बनी है या नहीं बनी है, मुझे पता नहीं. नहीं बनी है, ये पहली फिल्म ऐसी है जो खेल के ऊपर बन रही है. और सिर्फ मैंने ही नहीं, जैसे मेरा पार्ट मैंने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की है, उसी तरीके से खेसारी जी ने भी उतनी ही मेहनत की है. और जब आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो वो भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ मिलेगी आपको. तो हम सब ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है और आज इस फिल्म के शायद मेरा आखिरी शेड्यूल है इस फिल्म के साथ. तो मे बी ये लोग आगे भी शूट कर रहे हैं लेकिन आज मेरा वाइंड अप होगा इस फिल्म. खेसारी जी के साथ आपकी एक लंबे समय के बाद फिल्म नज़र आएगी. वैसे भी आप खुद भी काफ़ी वक्त के बाद पर्दे पर नज़र आएंगी, ये आपकी कमबैक फिल्म कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल. इस फिल्म को जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिसमें स्मृति सिन्हा के कुछ करने लायक चीज़ें हो. तो यस, ये वो फिल्म है जिसमें मुझे कुछ अच्छा करना, कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है. तो इसलिए ये मेरी कमबैक मूवी कह सकते हैं आप.
इतने सालों बाद जब आप वापस आ रही हैं, खेसारी कितने बदले हुए नजर आए आपको? मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। अरे क्यों? हमारी पता नहीं है, अब वो तो आप उनसे पूछिए। मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदले हैं वो, जैसे हम पहले मिलते थे, जैसे हम पहले काम किया करते थे, जितनी अच्छी केमिस्ट्री हमारी पहले थी अभी भी उतनी ही अच्छी है, आप उससे भी अच्छी कह सकते हैं। राम भाई आप ही पूछे, उनके डायरेक्टर को जी फिल्म के डायरेक्टर प्रिमांशु सिंह जी हैं, जो मेरे 90% हिट फिल्मों के डायरेक्टर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में फिर से वो तिगड़ी आई है जो खेसारी जी, स्मृति सिन्हा एंड प्रिमांशु सिंह जी, तो ये इन तीनों की तिगड़ी जब जब आती है फिल्म बाई गॉड ग्रेस सुपर हिट हो जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तीनों फिर से आए हैं और फिर से काम कर रहे हैं साथ। और कौन कौन फिल्में आप? इसके बाद मेरी एक फिल्म है परवरिश, जिसमें रितेश पांडे जी, शिविका जी, यश जी और मैं हूँ, तो हम चारों के ऊपर वो फिल्म है, यश जी फिल्म के बैनर तले है वो फिल्म, और अजय जी उसके डायरेक्टर हैं, अजय श्रीवास्तव, तो वो फिल्म भी लगभग बन के तैयार है और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी अधिकतर फिल्में जो लखनऊ में हुई है, नवाबों के शहर, कितनी यादें ताज़ा करना चाहेंगी इस फिल्म के बारे में? मुझे याद है, मुझे लखनऊ शहर में सिर्फ अपना एक्सीडेंट याद है, क्योंकि मैंने 3 या 4 दिन ही शूट किया था, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और वो कहते हैं ना भगवान कभी कभी वो शक्ति दे देते हैं, उस टूटे हुए पैर के साथ मैंने अगले 8 दिन शूट किया, और हर बार मुझे डॉक्टर्स कहते थे आप प्लास्टर लगवा लीजिए, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ यही था कि एटलीस्ट जो टॉकी पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए, तो उसका जो है आगे फिर एटलीस्ट ये नहीं होगा कि फिल्म बीच में बंद हो जाएगी, तो इस थॉट के साथ मैं हर बार डॉक्टर को कहती थी क्या हम कुछ दिन और रुक सकते हैं, क्या हम कुछ दिन और रुक सकते हैं, डॉक्टर वाज लाइक ये आप अपना रिस्क खुद ले रहे हैं, तो बाद में आपका पैर ठीक नहीं होगा तो मुझे मत बोलना। मतलब आपका एक बहुत बड़ा समर्पण और त्याग इस फिल्म के साथ मिला, कह सकते हैं मैंने अपना खून दिया है इस फिल्म को। तो इस फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना है? ऑडियंस से तो मेरी यही अपील होगी, प्लीज़ 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 इस फिल्म को देखें और थिएटर में जाकर देखें, यूट्यूब या किसी डिजिटल चैनल पे देखने का वेट ना करें, क्योंकि इस फिल्म में जो जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमने पेन उठाया है जितना इस फिल्म को बनाने के लिए, हालांकि हर फिल्म को बनाने के लिए उतना ही पेन उठाया जाता है, बट ये जो एक समर्पण और त्याग की बात हम कर रहे हैं, मेरे एंड से भी मैंने बहुत किया है, खेसारी जी ने भी बहुत, क्योंकि ये खेल के ऊपर है तो उनको भी एक खिलाड़ी का वो प्ले करना था रोल, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तो मेहनत करते ही हैं, तो इस फिल्म को आप जितना अच्छे से पर्दे पर एंजॉय करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को शायद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना लगे, तो इसलिए प्लीज़ 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 जाइए और सिनेमा घरों में जाकर पूरी फैमिली के साथ मूवी देखिए, ये मैं हूँ तो ऑब्वियसली फैमिली मूवी होगी। इनके डायरेक्टर साहब से मिलवाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए, उन्होंने जो फिल्म बनाने की है, जिस तरह से सब्जेक्ट था, क्या करना चाहेंगे? उनकी पहली फिल्म है, उनका प्रोडक्शन हाउस। हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो काफ़ी, उन्होंने उनकी पहली फिल्म है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहीं भी फील नहीं होने दिया कि ये पहली बार फिल्म लाइन में आए हैं या फिल्म बना रहे हैं, और प्लस हमारा ख्याल रखना, जो भी जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के तरफ से जो मेरा केयर रखा गया, जो जिस तरीके से मुझे एक तरह से कहा जाए कि मेरा ख्याल रखे हैं, तो टूटे हुए पैर के साथ मैं शूट कर रही हूँ, ये चीज़ वो पेन उनको भी, उनकी आंखों में भी दिख रहा था, तो ही हैज़ ऑल्सो टेकन सम पेन कि चलो ठीक है, हम सब मिलकर एकजुट होकर हमने ये फिल्म बनाई, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी।
भोजपुरी सिनेमा की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं।